फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस जियो के रिचार्ज करने के नए तरीके के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, लॉकडाउन के वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग रिचार्ज नहीं करवा पा रहे होंगे। रिचार्ज करवाने में उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो फिलहाल रिलायंस जियो ने आप लोगों के परेशानियों को देखते हुए रिचार्ज के लिए एक नया ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध कराया है। ठीक है, यहाँ पे रिचार्ज करने का एक नया ऑप्शन लेकर आई है। तो अब कैसे आप लोग रिचार्ज करवा पाएंगे, इसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, मेरा नाम है तौहीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टेप। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन रिचार्ज नहीं करते हैं। रिचार्ज करने के लिए अक्सर वो बाहर शॉप पर जाया करते हैं। चूँकि अभी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए मार्केट बंद होने की वजह से, शॉप बंद होने की वजह से वो अभी रिचार्ज नहीं करवा पा रहे होंगे। उनको रिचार्ज करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो आपके इन्हीं परेशानियों को देखते हुए रिलायंस जियो ने रिचार्ज करने का एक नया ऑप्शन उपलब्ध कराया है। जी हाँ फ्रेंड, रिलायंस जियो ने अब एटीएम से रिचार्ज करने का एक नया तरीका लेकर आई है। अब आप अपने नज़दीकी एटीएम जाके अपना मोबाइल रिचार्ज कर पाएंगे। तो फ्रेंड, अब यहाँ पर बात रही कि अब एटीएम से हम किस तरह से रिचार्ज करें। तो चलिए फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि किस तरह से एटीएम से रिचार्ज किया जाता है। तो एटीएम से रिचार्ज करने के लिए फ्रेंड, हमें सबसे पहले अपने नज़दीकी एटीएम में जाना होगा। एटीएम में जाने के बाद सबसे पहला स्टेप है, हमें अपने कार्ड को एटीएम मशीन में इंसर्ट करना होगा। जिस तरह से हम पैसा निकालने के लिए अपने कार्ड को इंसर्ट करते हैं, ठीक उसी तरह अपने कार्ड को हम इंसर्ट करेंगे, अपने कार्ड को हम मशीन में लगाएंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप है फ्रेंड, कि आपको मेन्यू में से रिचार्ज का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो मेन्यू में आपको रिचार्ज का ऑप्शन यहाँ पर भी दिखे, उसका आप चुनाव कीजिए, उसको आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद तीसरा स्टेप है फ्रेंड, हमें अपना मोबाइल नंबर डायल करना है। जिस नंबर पे हमें रिचार्ज करना है वो नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद चौथा स्टेप है फ्रेंड, हमें अपना एटीएम पिन नंबर डालना है। ठीक है, हमें अपना एटीएम पिन नंबर इंटर करना है। उसके बाद पांचवा स्टेप है फ्रेंड, कि हमें रिचार्ज अमाउंट डालना है। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना का रिचार्ज करना चाहते हैं, 299 का करना चाहते हैं, 399 का या फिर 500, कितना का रिचार्ज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। अमाउंट आपको यहाँ पे डालना होगा। अमाउंट डालने के बाद लास्ट स्टेप है फ्रेंड, कि हमें इंटर प्रेस करना है। ठीक है, सारा प्रोसेस करने के बाद हमें इंटर दबाना है। जैसे ही हम इंटर दबाएंगे तो हमारा रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड आपके फ़ोन में सक्सेसफुल रिचार्ज का मैसेज आ जाएगा और साथ ही साथ आपके अकाउंट से पैसा डेबिट भी हो जाएगा। यहाँ तक तो थी फ्रेंड रिचार्ज की बात। चलिए, हमने रिचार्ज भी सक्सेसफुल कर लिया, लेकिन अब बात रही फ्रेंड कि ये सुविधा हम सारे एटीएम से उठा सकते हैं, क्या हम सारे एटीएम से अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं? तो यहाँ पे जवाब है फ्रेंड, नहीं। जी हाँ फ्रेंड, रिलायंस जियो ने कुछ ही बैंकों के एटीएम में ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। चलिए फ्रेंड, अब हम उन बैंकों के एटीएम के लिस्ट के बारे में जान लेते हैं कि कौन से एटीएम से हम अपना रिचार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये रहे लिस्ट। फ्रेंड, यहाँ पे हम SBI, एक्सिस, ICICI, HDFC, IDBI, DCB, AUF और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ATM पर यह सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पे उम्मीद है फ्रेंड कि लॉकडाउन के इस पीरियड में ATM से रिचार्ज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।